वो बांस के क्या पेपर को अच्छे से जोड़ेंगे। ये ऐसी बहुत सारी बॉटल्स हमने बना ली हैं, ये देखें ये नेस्ले की बॉटल्स, लेकिन वो सिलेक्ट करनी है जिसका डायमीटर जो है सेम हो। ये ऐसे जो बेंड है इसको इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये साइज में आएगी नहीं। कुछ बॉटल्स हम इसके ऊपर पहले चला चुके थे, अभी इसके ऊपर और चला देते हैं। ये पानी से बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं बांस को, फ्लड अफेक्टेड एरियाज के लिए। और दूसरा ये कि हमने एक दफ़ा इसको सील किया था ताकि इसमें पानी नहीं जाए। अभी हम इसको हीट करके बाकी जॉइंट देखते हैं कि क्या पोजीशन है। चूल्हा ऊपर रखो, ये देख रहे हैं। एक बात होता है कि ये बिल्कुल इसके साथ रैप हो गया, पहले लूज था, हमने आपके सामने इसको चढ़ाया था इसके ऊपर, और अभी इसको हीट अप किया है तो ये सारा इसके साथ प्लास्टिक बॉटल जो है वो चिपक गई हैं। अब ये पानी से भी बच सकता है बहुत हद तक, 70-80% तक। और इसके अलावा ये हमने हीट अप किया था, हीट अप करने के बाद ये प्लास्टिक बॉटल इसके साथ बिल्कुल चिपक गई हैं। लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने नेस्ले वाटर बॉटल काट के ये बैम्बू के ऊपर रैप कर दिया ताकि टर्माइट्स और पानी से बच जाए। अब प्लास्टिक बॉटल्स के जो लेफ्ट ओवर्स हैं, जो इसका बॉटम हमने काटा था वो ये है और जो टॉप काटी थी वो ये है। अब इन दोनों को मिला के हम डिफरेंट टाइप के प्लांटर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आपको दिखाते हैं।